देखिए, ये सॉल्वेंट्स एंड थिनर फॉर पेंट्स एंड कोटिंग, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली जो है पेंट्स एंड कोटिंग से रिलेटेड सॉल्वेंट की जानकारी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ना। अच्छा, सॉल्वेंट और थिनर, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क देखिएगा। वैसे तो दोनों ही बहुत सारी जगहों पर एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग थिनर कहते हैं। थिनर का तो बेसिक मतलब हो जाता है किसी भी चीज को थिन करना, ठीक है। अगर किसी चीज को आप पतला कहते हैं तो वो थिनर कहलाता है, ठीक है। और अगर आप सॉल्वेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सॉल्वेंट का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को डिजॉल्व करना, ठीक है। वो थिन भी कर सकता है या थिक भी कर सकता है वो, अगर अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है तो। लेकिन थिनर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, बट सॉल्वेंट इज अ टेक्निकल वर्ड। थिनर इज बेसिकली अ लिटरेरी वर्ड। थिन का मतलब पतला करना, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये विशेष इन हेडिंगों के अंतर्गत हम लोग करेंगे। देखिए, ये आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फंक्शन क्या होते हैं, सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जैसे फ्लैश पॉइंट वगैरह हो गया या सॉल्वेंट पावर वगैरह हो गया, पर्पज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम लोग डालते क्यों हैं, और सॉल्वेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो नेचर से प्राप्त होते हैं, उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितने तरीके के होते हैं ये हम लोग देखेंगे, और सॉल्वेंट की टेस्टिंग में क्या क्या करते हैं, और सॉल्वेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती है, कि अगर सॉल्वेंट आप इनअप्रोप्रिएट आपने सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लिया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। आप जैसे सॉल्वेंट आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में भी पढ़ा होगा कि सॉल्वेंट इज अ मटेरियल हुज मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इंटीमेट मिक्सचर विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर मटेरियल्स एंड इज प्रेजेंट इन हायर परसेंटेज इन द मिक्सचर। कहते तो यही है, जैसे आपने नमक लिया, नमक को पानी में घोला, तो पानी और नमक एक इंटीमेट मिक्सचर बनाता है। नमक के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पानी के साथ इंटीमेसी की वजह से वो उसमें एक एक मॉलिक्यूल माइक्रो लेवल तक या मॉलिकुलर लेवल के ऊपर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। यहां पर पानी नमक के मॉलिक्यूल को तोड़ता नहीं है, उसको केवल जो है माइक्रो लेवल के ऊपर या मॉलिकुलर लेवल के ऊपर उसको डिस्पर्स कर देता है, क्योंकि पानी के अंदर वो क्षमता है, या साल्ट के अंदर वो क्षमता है कि वो पानी के साथ अपनी इंटीमेसी कायम रखे। इस वजह से वो उसके अंदर आपको लगता है डिजॉल्व हो गया। इनफैक्ट वो डिजॉल्व नहीं होता है, उसके बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल उसमें डिस्पर्स हो जाते हैं, जिनको कि हमारी आंखें उस लेवल के मॉलिक्यूल को देख नहीं पाती, इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी नजर आती है सॉल्वेंट साल्ट के सोल्यूशन में वाटर के साथ, ठीक है। तो इट इज अ बेसिक इंटीमेट मिक्सचर। यहाँ एक चीज और बता देते हैं, आमतौर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सोल्यूशन जो होता है दैट इज मेड आउट ऑफ योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। कोई भी जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, तो सोल्यूट हमें ट्रांसपेरेंट या कोलाइडल या नजर क्यों आने लगता है, ये हम आपको बताना चाहते थे। बेसिकली एक साइज रेंज होती है सोल्यूट की, ये साइज रेंज आपकी क्या होती है, साइज रेंज में हमने आपको बताया कि अगर मॉलिक्यूलर साइज है किसी सोल्यूट के किसी सॉल्वेंट के अंतर्गत तो ये आपका सोल्यूशन नजर आता है, और अगर 0.005 से लगाए तो 0.2 माइक्रॉन लेवल की कोई पार्टिकल है किसी सॉल्वेंट के अंतर्गत किसी सॉल्यूट का तो ये आपको कोलाइड्स नजर आते हैं, और अगर यही चीज 0.2 से लगाए 1.0 माइक्रॉन की हो जाती है तो ये आपको पिगमेंट है, ग्लॉस एनेमल आपको नजर आएगा। जो एनेमल पेंट होता है पिगमेंट या एक्सटेंडर की साइट होती है ग्लॉसी पेंट में, जो घरों में हम लोग लगाते हैं ना चमक वाले पेंट उसके अंदर, क्योंकि चमक वाले में थोड़ा सा फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। और अगर यही चीज आपकी 0.5 से लगाए 3.0 माइक्रॉन की अगर होती है तो ये हम लोगों को फ्लैट फिनिश या मैट फिनिश जैसे प्राइमर वगैरह में कहते हैं, पिगमेंट इन फ्लैट फिनिश आर मैट फिनिश।
जिसमें चमक कम होता है, इसकी ग्राइंडिंग कम करते हैं, और इससे भी ज्यादा जो कोर्स मटेरियल हो जाते हैं तो ये आपको कंक्रीट वगैरह के अंदर, जैसे जहां सीमेंट वगैरह का होता है काम, वहां आपको ये नजर आएंगे। तो इस तरीके के ये डिफरेंट सॉल्यूट की साइज है और इसके साथ पोजीशन क्या बनती है, सॉल्यूशन बन जाता है अगर ये मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर डिस्पर्शन होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली यही पढ़ रहे हैं कि हमें पेंट के अंदर कोलाइड्स नहीं चाहिए होता, हमें पेंट के अंतर्गत पिगमेंट्स, या अगर ये पिगमेंट पड़े हुए हैं तो हमारा डिस्पर्शन इस लेवल पर होना चाहिए, लेकिन रेजिन जो होगी रेजिन को सॉल्यूशन बनाना चाहिए। ये चीज है, ये आगे और आप डिटेल में आप समझेंगे। तो ये इंटीमेट मिक्सचर है या सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के केमिकल कैरेक्टर के ऊपर, केमिकल नेचर के ऊपर, दोनों की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों के शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका डिपेंड करेगा ये। और इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, जैसे केमिकल कैरेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए कहा जाता है कि जैसे पोलर पोलर को डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। जैसे वाटर जो है नमक को डिजॉल्व कर लेता है, NaCl इज पोलर एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर, सो इट विल डिजॉल्व, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कोई नॉन पोलर, जैसे आयल को आप पानी में नहीं घोल सकते हैं, बिकॉज आयल इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर, तो उसके लिए क्या करेंगे, आयल को आप किरोसिन आयल में या MTO के अंतर्गत या बेंजीन के अंदर आप घोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हो गए, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक जो हम लोग कहते हैं वो इसी वजह से इसको कहते हैं। तो वी कैन हैव सोल्यूशन ऑफ गैसेज, जैसे हम लोग गैसियस सोल्यूशन कहते हैं, तीन तरीके के सोल्यूशन आपके हो गए, एक तो आपका हो गया गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन में क्या हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आप एयर वगैरह में देखते हैं, तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में एक एग्जाम्पल आप क्या हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डाल दें तो एक डायलूट एसिड सोल्यूशन बन जाता है, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में हो गया। या आयल को आप MTO के अंदर डिजॉल्व कर लें या बेंजीन के अंदर डिजॉल्व कर लें, तो दैट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन में आप कह सकते हैं कॉपर और टिन, टिन अगर कॉपर में ले लेते हैं तो ये ब्रॉन्ज बना देता है, तो दिस इज योर, जैसे एलॉय वगैरह आप बनाते हैं, तो दैट इज योर सॉलिड सॉल्यूशन। तो वाटर एल्कोहल, दिस इज सॉल्यूशन, ये आपका एक सॉल्यूशन है, बट वाटर इन किरोसिन ऑयल, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज किरोसिन ऑयल विल सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? सो रोल ऑफ केमिकल कैरेक्टर, साइज, शेप, अब ये यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्यों होता है, इसके लिए क्या क्या केमिकल कैरेक्टर होना चाहिए कि किसी में सॉल्यूशन बना देता है किसी में सॉल्यूशन नहीं बनाता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर आर लार्ज एनफ टू प्रिवेंट मिक्सिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात कर रहा है। जैसे कि अगर आप पानी को एग्जाम्पल से लें, सपोज करिए H2O लेते हैं, तो H2O के अंतर्गत जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनका आपस में अट्रैक्शन बहुत जोरदार है, बहुत जबरदस्त होता है, दैट इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो वो होता क्या, जिसकी वजह से ये पानी जो है किसी आयल में डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि आयल के अंदर आयल के मॉलिक्यूल का आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। यही कह रहा है, पोलर का अपने आपस अपने मॉलिक्यूल के बीच में और नॉन पोलर का अपने मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। एक एग्जांपल यहां पर दिखलाया हुआ है, जैसे वाटर लीजिए, वाटर ग्लूकोज इज स्मॉल मॉलिक्यूल एंड पोलर, सो सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। सेलुलोज अगर आप लेते हैं, सेलुलोज इज लार्ज, ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, एंड इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, जबकि ये ग्लूकोज से बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल बहुत लार्ज हो गया और इसके अंदर सेलुलोज के अंदर पोलरिटी इतनी नहीं हो पाती है जिससे कि ये पानी में घुल जाए। तो क्या करते हैं, इसी सेलुलोज से आप CMC बनाते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसी सेलुलोज से बनाते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप आप समझ रहे हैं कि ये पोलर होता है, तो इसके जोड़ देने से केवल सेलुलोज इज मेड मोर पोलर एज इन CMC। CMC में पोलरिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है। यद्यपि इस कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का भी मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है, लेकिन पोलरिटी बढ़ जाने से दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस इज वन एग्जाम्पल
कि अंटिल अनलेस यू मेक द मटेरियल नॉन पोलर मटेरियल पोलर, दिस मटेरियल विल नॉट गो इन टू द पोलर सिस्टम। तो पोलर का अपने मॉलिक्यूल के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर का अपने मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, और जब तक दोनों के कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे एक दूसरे में वो इंटरमिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ शेप पोलरिटी एंड साइज। देखिए इसका एक और एग्जाम्पल के साथ हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, जरा ध्यान से इसको समझिएगा ना, ये आपके आगे बहुत काम आएगा क्योंकि सॉल्वेंट का बहुत अच्छा रोल है, वो आगे हम आपको बताते हैं। सॉल्वेंट पर किसी फिनिश, अगर कोई मैट फिनिश है तो उसमें चमक आप ला सकते हैं, और किसी अच्छे खासे चमक वाले पेंट की चमक को आप बर्बाद कर सकते हैं अगर आपने सॉल्वेंट का प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया है। तो इसका काफी अच्छा रोल, ये बहुत सारे डिफेक्ट भी पेंट में पैदा कर सकता है अगर आपने प्रॉपर डिजाइन ना किया है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखला रहे हैं, जैसे मिथाइल एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो मिथाइल एल्कोहल या 100 के ऊपर स्टार लगाया हुआ है, स्टार का मतलब हो गया इनफाइनाइट सॉल्युबिलिटी। मिथाइल एल्कोहल पानी में किसी भी लेवल तक डिजॉल्व हो सकता है, चाहे आप मिथाइल एल्कोहल के अंदर पानी को डाल दीजिए और या पानी में मिथाइल एल्कोहल को डाल दीजिए, ये दोनों ही इंटरमिक्सिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि मिथाइल एल्कोहल आपको पता होगा दिस इज CH3OH और ये काफी हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है इसलिए डिजॉल्व हो जाता है। इथाइल एल्कोहल की भी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये भी पोलर हो जाता है। प्रोपाइल की सॉल्युबिलिटी देखिए ये 100-100 पर है, इनका कहना ये है कि बराबर बराबर का मिक्सचर आपका ये चला जाएगा, लेकिन अगर प्रोपाइल अगर आप ज्यादा कर देते हैं और वाटर को उसमें डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा। इसी ग्रुप में नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, आप लोग शायद जानते होंगे नॉर्मल ब्यूटाइल की सीरीज है आपकी CH3CH2OH, ये तो आपका मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल हो गया, ये आपका इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल हो गया। प्रोपाइल में एक CH2 और आ जाता है CH3CH2CH2OH, और नॉर्मल ब्यूटाइल में क्या पोजीशन बनती है, इसमें चार हो जाते हैं ना कार्बन CH2CH2CH2OH। देखिए इसमें ये जो ये चेंज हो गई यहां से यहां तक कार्बन की, दिस इज योर नॉन पोलर, और इसमें पोलरिटी केवल मिलती है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो ये देखिए ये नॉन पोलरिटी इसमें बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जा रही है, ये 8.3 है। लेकिन अब सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका क्या हो जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो CH2CH2CHOH CH3, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, होता है ना, थोड़ा हाँ बोलते रहिए, और टर्शियरी ब्यूटाइल में क्या हो जाएगा सर, ये CH2 भी आ जाता है, CH3. ये यहाँ से H हटा दीजिए और इस CH2 को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर ला करके आप CH3 जोड़ दीजिए, ठीक, तो एक कार्बन के साथ तीन साइड में CH3 जुड़ गया, ये हो गया ना टर्शियरी ब्यूटाइल। तो अब यह देखिएगा अब यहाँ पर एक मजेदार चीज आप समझने की कोशिश करिएगा, एक ही कंपाउंड है सब में, अगर आप केमिकल फार्मूला सबका देखेंगे तो आपका इंपीरिकल फार्मूला सबका एक ही जैसा है, ये तीनों में मॉलिक्यूलर वेट सबका बराबर है, कार्बन भी सबका एक ही जैसा है, हाइड्रोजन भी सबकी एक ही जैसी है, और ऑक्सीजन भी सब में एक ही जैसा है, इन तीनों में नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, लेकिन तीनों की सॉल्युबिलिटी में देखिए कितना फर्क है, ये केवल 8.3 जा रहा है, ये 29 जा रहा है, ये 100 जा रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि नॉन पोलरिटी इसमें बढ़ रही है, इसके कंपेरिजन में इथाइल प्रोपाइल के कंपेरिजन में इसमें नॉन पोलरिटी बढ़ी जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, लेकिन जैसे ही इसमें ब्रांच हो गया, जैसे ही शेप चेंज हुआ, ठीक है, ये हम शेप की बात कर रहे हैं, एक तो केमिकल नेचर हो गया, अब शेप की भी बात कर रहे हैं, जैसे ही शेप चेंज हुआ तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ गई यहाँ पर, और इसमें ये और छोटा शेप हो गया तो ये और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और अब ये नॉर्मल एमाइल जो है इसमें नॉन पोलरिटी और बढ़ जाती है, इसमें आपके 5 कार्बन है ना, क्यों भाई? यस सर, यस सर, ये है ना एमाइल,
यही तो हो गया नॉर्मल एमाइल। तो ये नॉर्मल एमाइल के अंदर और नॉर्मल ब्यूटाइल के कंपेरिजन में इसमें नॉन पोलरिटी और बढ़ गई। तो नॉन पोलरिटी बढ़ जाने से इसमें केवल दो लेवल का ही सॉल्युबिलिटी है, अर्थात 2 parts soluble in 100 parts of water। और यहाँ पर 8.3 है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पोलरिटी बढ़ने के साथ साथ हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इधर पोलरिटी आपकी बढ़ रही है, इधर आपकी नॉन पोलरिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जा रही है। शेप चेंज होने के साथ सॉल्युबिलिटी का फर्क पड़ता है, तो ये आपका शेप हो गया। अब आगे चल के हम लोग साइज की भी चर्चा करेंगे। देखिए इसमें तो अब इसको ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नॉन पोलर चेन बट इंक्रीजेज विथ चेंज इन शेप। ठीक, क्लियर है? शेप चेंज होने पर इंक्रीज हो जाती है और नॉन पोलरिटी होने पर पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है। सिमिलरली नॉन पोलर सिस्टम को अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मिनरल स्पिरिट्स है, मिनरल स्पिरिट हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, वहां से निकलता है। इसके अंदर कुछ कुछ आप इसको किरोसन ऑयल के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। किरोसन ऑयल के अंदर थोड़ा सा एरोमेटिसिटी कम न के बराबर होती है, इसमें हल्की सी एरोमेटिसिटी होती है, इसकी सॉल्वेंट पावर अच्छी होती है। दिस कैन टेक मिनरल ऑयल, ये मिनरल ऑयल को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, अच्छा। और ये पैराफिन वैक्स इज पुअरली सॉल्युबल, ये इसके अंतर्गत पुअरली सॉल्युबल है, जबकि ये भी नॉन पोलर ही है। दिस इज नॉन पोलर, मिनरल ऑयल इज नॉन पोलर, मिनरल स्पिरिट इज नॉन पोलर एंड पॉलीथाइलिन इज नॉन पोलर, सब नॉन पोलर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसके अंतर्गत नहीं जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज, पैराफिन वैक्स की साइज है काफी ज्यादा होती है, लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट सॉल्युबल इन टू द मिनरल स्पिरिट। एंड पॉलीथाइलिन इज ऑल्सो इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर साइज कंपेयर टू योर पैराफिन वैक्स, से भी ज्यादा इसकी साइज है, जबकि सभी नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बट रिप्लेस हाइड्रोजन अल्टरनेट इन पॉलीथाइलिन, अगर पॉलीथाइलिन, पॉलीथाइलिन आप समझ रहे हैं ना, क्यों भाई, ये इथाइलिन होता है, यस सर, इथाइलिन का, हाँ यही तो पॉलीथाइलिन हो गया ना, एम आई करेक्ट? यस सर, लगा दिया तो पॉलीथाइलिन बहुत लंबी चेन होती है। अब सपोज करिए कि इस पॉलीइथाइलिन के अंतर्गत एक हाइड्रोजन एटम, मतलब इसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग लगाते चले जाएं, OH इट बिकम्स पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये बन जाता है CH2CH2OH, इस तरीके से ये आपका आपका होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इसकी पोलरिटी बढ़ जाती है, तो इस पोलरिटी की वजह से इसके अंतर्गत जो सॉल्युबिलिटी आ जाती है, इथाइलिन का ही एक पार्ट हो गया पॉलीविनाइल अल्कोहल, लेकिन पॉलीविनाइल अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इसकी पोलरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने पार्टिकल साइज देखा, पार्टिकल शेप देखा और पोलरिटी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखा आप किसी भी सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। तो इन अ कोटिंग इंडस्ट्री द रेजिन बाइंडर आर लार्ज टू वेरी लार्ज, नॉन पोलर टू पोलर, ये नेचर होता है। देखिए आपको रेजिन बहुत छोटी साइज की भी रेजिन मिलेगी, जैसे अगर आप रोजिन आप ले लें या इवन आयल ले लें, तो आयल का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मुश्किल से आपका 800-900 मॉलिक्यूलर वेट होता है, और वहीं पर आप अगर आप थर्मोसेटिंग एक्रिलिक वगैरह ले लें या थर्मोप्लास्टिक एक्रिलिक ले लें तो लाखों में मॉलिक्यूलर वेट चला जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत छोटे मॉलिक्यूल के भी रेजिन बाइंडर मिलेंगे और बहुत बड़े मॉलिक्यूल के भी बनेंगे, कुछ आपको पोलर मिलेंगे, कुछ आपको नॉन पोलर मिलेंगे, जैसे आयल यहाँ पर नॉन पोलर हो गया, वहीं पर एक्रिलिक वगैरह ले लेंगे तो पोलर मिलेंगे, एमसी लेंगे, नाइट्रोसेलुलोज लेंगे तो थोड़ा सा पोलर होगा। तो इस प्रकार से पोलर, नॉन पोलर, ये सभी तरीके के आपको रेजिन या बाइंडर मिलेंगे। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है हमें सॉल्वेंट के अंतर्गत डिसाइड करनी है, दे शुड बी सॉल्युबल, दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बाइंडर और एनी रेजिन और एनी पॉलीमर, ये सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। बट द सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट इज बेसिक रिक्वायरमेंट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंगली
सॉल्वेंट्स आर चोजन, इसी हिसाब से हम लोग सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं, आगे चल के हम आपको बता रहे हैं। तो सॉल्वेंट्स आर जनरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू रेजिन एंड बाइंडर। जैसे ऊपर आपने सॉल्वेंट देखा मिथाइल अल्कोहल, ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। ये सब आपके सॉल्वेंट है जो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। कितने प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं वो आगे चल करके हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार सॉल्वेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं रेजिन किस तरीके की लिया है उसके ग्राउंड के ऊपर। और भी कई तरीके होते हैं, और भी कई वजह है सॉल्वेंट को सेलेक्ट करने की, वो भी हम आपको बता रहे हैं। गैसियस सॉल्यूशंस आर इजीली फॉर्म्ड। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की बात कर रहा है, अगर हम लोग गैस के सॉल्यूशन को बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि एक तो मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं गैस के, और दूसरे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में डिजॉल्व करना चाहें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, और छोटे भी होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बीच बीच में चला जाएगा। तो इस प्रकार से गैसियस सॉल्यूशन बनाना आसान होता है, और इसके अंदर वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसलिए मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ गैसियस कंपाउंड इज क्वाइट इजी कंपेयर टू द सॉलिड कंपाउंड। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिक्विड फॉर्म में, दे आर समटाइम नॉट ऑलवेज मिसबल। यहाँ तो करीब करीब हर गैस जो है दूसरी गैस के अंदर मिसबल हो जाएगी, लेकिन हर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट नहीं जाएगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा पोलर पोलर में जाएगा, और पोलर में भी डिपेंड करेगा, अगर हाईली पोलर सॉल्वेंट है तो हाईली पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, लेस पोलर अगर सॉल्यूट है तो नहीं जाएगा। जैसे कि पानी के अंतर्गत मिथेनॉल चला गया, इथेनॉल चला गया, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल वो नहीं गया, और एमाइल एल्कोहल नहीं गया, क्योंकि एमाइल एल्कोहल भी पोलर है लेकिन इतना पोलर नहीं है जिससे कि वाटर में जा सके। और सॉलिड के अंदर देखिएगा आयरन कैन टेक कार्बन बट टू सम एक्सटेंट, स्मॉल क्वांटिटी इसमें जाएगी, अगर कार्बन आपने ज्यादा कर दिया तो दिस विल प्रेसिपिटेट आउट। हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन नॉट सॉल्युबल, इट कैन मेक कास्ट आयरन, एंड लोअर परसेंट कैन मेक अ स्टील। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग रेशियो में होती है। जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा था कि एमाइल एल्कोहल इज ओनली 2 पार्ट सॉल्युबल इन द 100 पार्ट ऑफ वाटर। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैस्टर ऑयल डिजॉल्व इन नाइट्रोसेलोज, ध्यान दीजिएगा नाइट्रोसेलोज, नाइट्रोसेलोज एक रेजिन होती है, एक पॉलीमर होता है जिसका आप बहुत वैसे यूज में, आप प्रैक्टिकल यूज में आप कह सकते हैं, जैसे नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश नाइट्रोसेलोज डाल करके आमतौर पर बनाई जाती है, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा कैस्टर ऑयल का थोड़ा सा पोर्शन नाइट्रोसेलोज अपने अंदर ले सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पोर्शन अगर आप डालेंगे पसीने की तरीके से इट विल स्वेट आउट एंड गिव ग्रीजी फिल्म, एक चपचपाहट वाली आपको फिल्म दे देगा। तो इस क्यों? क्योंकि कैस्टर ऑयल एक छोटा मॉलिक्यूल है और इसमें नॉन पोलरिटी ज्यादा है, नाइट्रोसेलोज एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। कैस्टर ऑयल आपका 800-900 के आसपास इसका मॉलिक्यूलर वेट है, नाइट्रोसेलोज का देखेंगे तो 1.5-2 लाख के आसपास इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल भी है और इतना पोलर भी नहीं है जितना कि नाइट्रोसेलोज है, इस वजह से कैस्टर ऑयल कैन स्पेज आउट। बट नाइट्रोसेलोज डिजॉल्व स्मॉल परसेंटेज ऑफ इथाइल एसीटेट। अब यहां पर देखिएगा इथाइल एसीटेट ले लिया, इथाइल एसीटेट का स्मॉल परसेंट नाइट्रोसेलोज ले लेगा, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, मतलब इथाइल एसीटेट अपने अंदर नाइट्रोसेलोज का स्मॉल परसेंटेज ले सकता है। तो दोनों ही स्मॉल परसेंट एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व, अर्थात इंटरमिंगल होना इन दोनों के लिए बहुत आसान है, बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज ऑफ द पोलरिटी, बिकॉज इथाइल एसीटेट इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, नाइट्रोसेलुलोज इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, बट देन टू इट इज टेकिंग इथाइल एसीटेट बिकॉज इथाइल एसीटेट इज इट इज हैविंग द पोलरिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ योर नाइट्रोसेलुलोज, इस वजह से ये इसको ले लेता है। द नाइट्रोसेलुलोज ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर बताया हुआ, द नाइट्रोसेलुलोज बिहेव डिफरेंटली विद कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल के साथ इसका बिहेवियर अलग होता है, और इथाइल एसीटेट के साथ इसका बिहेवियर अलग होता है, इसलिए नाइट्रोसेलुलोज कैस्टर ऑयल को नहीं ले पाता है जबकि इथाइल एसीटेट को ले लेता है बिकॉज ऑफ द पोलरिटी। ठीक है,
अब फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम लोग देखेंगे, फंक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन पेंट्स एंड कोटिंग, सॉल्वेंट का रोल क्या होता है पेंट और कोटिंग में, इतना हमने बताने के बाद से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इतना सॉल्वेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको समझिएगा। सॉल्वेंट रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ रेजिन, ठीक, रेजिन या हमने बताया था कोटिंग में रेजिन है, पॉलीमर है, आयस वगैरह है, बाइंडर वगैरह जो कुछ भी हम लोग लेते हैं, इसके अंतर्गत सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट को ये सब चीजें डिजॉल्व कर लेनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अर्थात उसकी विस्कोसिटी को कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ईज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रेजिन एंड गुड वेटिंग ऑफ पिगमेंट, ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर ये देगा। अच्छा, वैसे एक चीज और हम आपको बता दें, सॉल्वेंट वैसे फाइनल कोटिंग में रहता नहीं है। अगर आप कोटिंग को अगर ध्यान से देखेंगे तो कोटिंग आप 3 से 4 तरीके की आपको कोटिंग आमतौर पर मिलेगी। एक जैसे पाउडर कोटिंग हो गया, पाउडर कोटिंग के अंदर, पाउडर पेंट के अंतर्गत कोई सॉल्वेंट नहीं होता है, वो पाउडर फॉर्म में ही रहता है और उस पाउडर फॉर्म में उसको मेल्ट करके लगाया जाता है। दूसरा आपका हो सकता है सॉल्वेंट लेस कोटिंग, अर्थात जिसमें सॉल्वेंट का इस्तेमाल ही ना करें, लिक्विड अवस्था में ही रहता है और उसको हम लोग आसानी से लगा देते हैं। जैसे कि आमतौर पर रेडिएशन क्योरेबल कोटिंग होती है, उसके अंदर सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है या बहुत कम करते हैं, उस कोटिंग को लगाया वो वेट अवस्था में होगी और रिएक्शन करके वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तीसरी अवस्था आपकी होती है जिसके अंतर्गत हम लोग सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं और सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके कोटिंग को लगाया, लगाने के बाद से उससे सॉल्वेंट आपका निकल जाता है और उस कोटिंग के अंतर्गत बाकी के सॉल्वेंट के अलावा जितने भी अदर कंपोनेंट होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो पिगमेंट हो, चाहे वो बाइंडर हो, पॉलीमर हो, रेजिन हो, आयल हो, एडिटिव्स हो, किसी भी प्रकार के बाकी के सॉल्वेंट के अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट डालते हैं वो सब उसके अंतर्गत रहते हैं। तो फिर सॉल्वेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, सॉल्वेंट तो उस कोटिंग में है ही नहीं और सॉल्वेंट तो उड़ गया, तो सॉल्वेंट का इस्तेमाल हुआ क्या? सॉल्वेंट का इस्तेमाल केवल लगाने के पर्पस से ही हम लोग करते हैं और भी प्रॉपर्टी आपको देता है। अच्छा, इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे चूंकि सॉल्वेंट इवोपरेट होता है, वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल को दूषित करता है, इसीलिए धीरे धीरे सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम कम करते चले जा रहे हैं। आज के दिन आप देखिए घरों में लगाए जाने वाले जितने भी पेंट है सब वाटर बेस्ड सिस्टम हो गए। वाटर भी एक सॉल्वेंट है, वाटर इज ऑल्सो अ थिनर, बट दिस इज इको फ्रेंडली, वाटर इज इको फ्रेंडली, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पानी अगर उड़ता भी उड़ के एटमोस्फियर में भी चला गया तो हमारे वायुमंडल को दूषित नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑल द सॉल्वेंट्स आर ऑर्गेनिक, वो सारे के सारे जो कोटिंग हम लोग डालते हैं एटमोस्फियर में जाके एटमोस्फियर को दूषित करते हैं, इसलिए उन सॉल्वेंट का धीरे धीरे हम लोग इस्तेमाल कम करते चले जा रहे हैं। तो उसके इस्तेमाल को कम करने के लिए हमने कुछ कोटिंग डेवलप किए, जैसे कि हमने आपको बताया पाउडर कोटिंग हो गया, रेडिएशन क्योरेबल कोटिंग हो गया, वाटर बेस्ड पेंट हो गए और इलेक्ट्रो डिपॉजिटेबल पेंट हो गए। इस तरीके के हम लोगों ने डिफरेंट जो है कोटिंग डेवलप किया है केवल सॉल्वेंट, और थोड़े समय बाद सॉल्वेंट का इस्तेमाल न के बराबर होने लगेगा पेंट के अंतर्गत। तो एक तो ईज ऑफ एप्लीकेशन, आसानी से आप लगा सकते हैं पेंट को। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको अगर शहद को कहा जाए कि शहद का एक पेंट आप करिए, शहद को ब्रश पर लीजिए और दीवार पर लगाइए, क्या पोजीशन बनेगी? एक तो लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप उसको प्रॉपर लगा नहीं पाएंगे क्योंकि उस ब्रश में ब्रश के निशान भी आ सकते हैं, और या फिर वो बहेगा एकदम टीयर्स की तरीके, आंसुओं की तरीके से वो बहने लगेगा, ठीक। दूसरा आप सपोज करिए कि अगर आपसे कहा जाए पानी को आप लगाइए दीवार के ऊपर, तो पानी को भी लगाना मुश्किल होगा, पानी बहुत तेजी से बह जाएगा। तो हमेशा अगर हम लोग जब पेंट लगाते हैं तो पेंट की एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होती है, उस विस्कोसिटी के ऊपर पेंट को लगाया जाता है। पेंट चाहे स्प्रे से लगाएं और चाहे ब्रश से लगाएं, अगर स्प्रे से लगाते हैं तो विस्कोसिटी थोड़ी सी कम होती है और अगर हम लोग ब्रश से लगाते हैं तो विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो उस अप्लीकेबल विस्कोसिटी के ऊपर पेंट को लाने के लिए हम लोग उसके अंतर्गत सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज और हम बता दें जो कि अभी हमारे ध्यान में आ रही है, हमने आपसे ये बताया कि सॉल्वेंट सॉल्यूट को अपने अंदर घोल लें और सॉल्वेंट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, बट दिस इज यूजुअली एवरी टाइम इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि कभी कभी सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम भी रहती है लेकिन वो कहलाएगा सॉल्वेंट ही। सपोज करिए कि 1 लीटर पेंट आपने बनाया जो कि ऑलरेडी एल्किड रेजिन है, लॉन्ग आयल एल्किड रेजिन का एक पेंट बनाया, वो पेंट के अंतर्गत लॉन्ग आयल होने की वजह से वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है लेकिन वो थोड़ा सा थिक है। अब उसके अंदर 1 लीटर में पता चल रहा है कि आपने 100 ग्राम ही सॉल्वेंट डाला,
लेकिन 100 ग्राम सॉल्वेंट डालने से उसकी विस्कासिटी ऐसी आ गई कि अब आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 लीटर पेंट के अंदर जो 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट डाला है, लेकिन सॉल्वेंट कहला रहा है, 100 ग्राम के होते हुए भी वो सॉल्वेंट कहला रहा है, जबकि वो 1 लीटर पेंट को हम लोग सॉल्वेंट नहीं कह रहे हैं। तो सॉल्वेंट का ये मतलब नहीं होता है कि उसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा ही रहनी चाहिए। ये कुछ जगहों पर तो सही है, जैसे कि नमक को आपको पानी में घोलना है तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, नमक की क्वांटिटी कम है, तो नमक को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं और पानी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। इसीलिए हमने पहले आपको बताया था कि सॉल्वेंट को इसलिए ज्यादातर लोग थिनर भी कहते हैं ताकि वो थिन कर देगा, चाहे क्वांटिटी से उसको मतलब नहीं है। सॉल्वेंट का बेसिक रोल होता है किसी भी चीज की विस्कासिटी को कम करना, उसको डाइल्यूट कर देना, यहाँ पर पेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत। और क्या प्रॉपर्टी ये कर देता है, इंप्रूव फ्लो देता है, अच्छा फ्लो देगा। जैसे कि शहद का फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता, अगर शहद को थोड़ा सा पतला करके आप लगाएं, एकदम पानी की तरह भी नहीं, थोड़ा सा पतला करके लगाएंगे तो उसका फ्लो अच्छा रहेगा। बाजार से जो भी आप पेंट लाते हैं, चाहे वो वाटर बेस हो, डिस्टेम्पर हो, एक्रिलिक इमल्सन हो, या दरवाजों पर लगाने वाला पेंट हो, एनएमएल हो, हमेशा आपसे ये कहा जाता है कि इसके साथ तारपीन का तेल ले आइए, अगर एनएमएल दरवाजों वाला है तो। अगर दीवालों वाला है इमल्सन वगैरह तो उसमें वो थोड़ा सा पानी मिलाएगा, अर्थात वो प्रॉपर फ्लो डेवलप करने के लिए सॉल्वेंट या थिनर का इस्तेमाल करता है। और लेबल भी करता है, लेबल का मतलब वो सतह के ऊपर एक अच्छी फिनिश देगा, ग्लॉस देगा, और सब्सट्रेट की वेटिंग भी करेगा। ये भी बहुत जरूरी होता है किसी भी सरफेस में। सपोज करिए ये आपका एक सरफेस कभी भी जो है आपका देखिएगा तो सरफेस का नेचर जो होता है थोड़ा सा इस तरीके से होता है। ये सरफेस आपको हमेशा ऐसे स्मूथ नहीं नजर आएगा, नजर आता होगा स्मूथ, लेकिन सरफेस में अगर बहुत माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। अब इसके ऊपर अगर आप कोई पेंट करते हैं और पेंट अगर इसके खांचों में चला जाता है तब तो इसके अंदर एंकरिंग अच्छी होगी, इसकी पकड़ अच्छी होगी। अगर वो इस खांचों में नहीं जाता है, केवल इसके ऊपर ऐसे एक लेयर के रूप में पड़ा रहेगा पेंट, तो इस पेंट को ऊपर कभी भी आप ऊपर से पकड़ के खींच लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा पेंट उतर आएगा। तो पेंट को अंदर खांचों में जाकर के एंकर करना, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडिशन, ये एडिशन होना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। तो इसी को कह रहा है सब्सट्रेट वेटिंग, ये तभी होगा जब ये मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर एक ब्रिज की तरीके से है पेंट, अगर ये पतला हो जाएगा तो ये खांचों में चला जाएगा। तो ये सब्सट्रेट की वेटिंग भी करता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट के द्वारा जो हमें मिलती है। तो ये सॉल्वेंट के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्वेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। हम लोग सॉल्वेंट पावर होती है, प्रॉपर्टी क्या क्या सॉल्वेंट में होनी चाहिए, सॉल्वेंट पावर, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का देखेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन, प्लस पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, कलर ऑर्डर, टॉक्सिसिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, इसका वेट पर लीटर भी हम लोग देखते हैं, और कास्ट पर केजी, कास्ट का भी हम लोग यहाँ पर एक वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो भी पेंट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, वो वजन पर खरीदे जाते हैं और पेंट जो है लीटर में बेचा जाता है। तो इस प्रकार वेट पर लीटर अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट पावर लिख लेते हैं। सॉल्वेंट पावर क्या होती है, सॉल्वेंट पावर हम जो कहते हैं किसी भी सॉल्वेंट की किसी सॉल्यूट को डिस्पर्स करने की क्षमता, अर्थात दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिस्पर्स द सॉल्यूट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। अर्थात ऐसा नहीं है जैसे हमने आपको बताया कि इथाइल एसीटेट नाइट्रोसेलुलोज को चाहे उसमें 10% डालिए, चाहे 90% डालिए, चाहे 100% डालिए, वो उसको डिस्पर्स कर लेगा नाइट्रोसेलुलोज को इथाइल एसीटेट। तो ये सॉल्वेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, पर ऐसे सॉल्वेंट अच्छे कहलाते हैं। अच्छा, ये इसको टेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर ये दिखलाया गया है कि सॉल्वेंट पावर को जो हम लोग मेजर करते हैं, देर आर मेनी टेस्ट, केवी वैल्यू देखते हैं, एनिलिंग पॉइंट देखते हैं, डाई मिथाइल सल्फेट टेस्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सॉल्वेंट इंडेक्स इज एन एक्सेलेंट क्राइटेरिया टू मेजर द सॉल्वेंट पावर। ये कैसे देखते हैं, सॉल्वेंट इंडेक्स देखिएगा, विस्कासिटी इन स्टैंडर्ड सॉल्वेंट। सपोज करिए कि आपने बेंजीन एक स्टैंडर्ड सॉल्वेंट लिया, बेंजीन के अंदर कोई रेजिन आपने डाला, ठीक है, 10% आपने रेजिन डाला, 10% रेजिन डालने के बाद से उसकी विस्कासिटी आपने मेजर कर लिया।
सपोज करिए उसकी विस्कोसिटी उस समय 50 सेकेंड आ गई आपकी, ठीक है। अब आपके पास कोई एक सॉल्वेंट है जिसको आप नहीं जानते हैं कौन सा सॉल्वेंट है, उसमें भी आपने एक 10% सॉल्यूशन बनाया, नया सॉल्वेंट है कोई, 10% सॉल्यूशन इसमें भी आपको बनाया। सपोज करिए कि 10% सॉल्यूशन बनाने पर इसकी विस्कोसिटी आपकी 70 रही, विस्कोसिटी कम नहीं हुई, विस्कोसिटी आपकी ज्यादा है, तो सॉल्वेंट इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, 50/70, अर्थात ये वैल्यू आपकी जो हो गई, दिस इज लेस देन 1, ये वैल्यू आपकी लेस हो गई ना 1 से, ठीक है, दिस इज लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है तो ये सॉल्वेंट आपका पुअर होगा, अर्थात यहां पर जो आपने सॉल्वेंट लिया है ये सॉल्वेंट आपका पुअर है, क्योंकि ये विस्कोसिटी ज्यादा दे रहा है, ठीक। और अगर यही वैल्यू, अगर सपोज करिए ये 70 की बजाय यहां पर इसकी विस्कोसिटी 30 सेकेंड आ जाती, अर्थात काफी कम हो जाती, तो ये आपका हो जाता 50/30। तो यहां पर ये जो वैल्यू है दिस इज मोर देन 1, तो इस केस में दिस इज अ बेटर सॉल्वेंट। तो इससे क्या पता चलता है, वैल्यू क्यों कम हो जाती है, एक सॉल्वेंट अगर अच्छा सॉल्वेंट होगा उसकी कटिंग पावर अच्छी होती है, तो थोड़ा सा डालने पर ही वो उस सॉल्यूट को पूरी तरीके से डिस्पर्स कर लेगा, और अगर कोई पुअर सॉल्वेंट होगा, वीक सॉल्वेंट होगा, तो वो उसको पूरी तरीके से डिस्पर्स नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सॉल्वेंट को एक थिनर के रूप में भी लेते हैं, अर्थात थिन करना, पतला करना। अगर कम डालने पर कोई थिनर ज्यादा पतला हो जाता है तो वो हम लोग अच्छा मानते हैं उसको। इसकी वजह क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप इसको। सपोज करिए आपके पास एक रेजिन है, ये रेजिन आपका 500 ग्राम रेजिन है, इस 500 ग्राम में आपने 200 ग्राम सॉल्वेंट डाला कोई, ठीक, 700 ग्राम आपका बना, इसकी कोटिंग किया कहीं पर, ये 700 ग्राम का जो मटेरियल है ये सपोज करिए आपको 10 स्क्वायर मीटर एरिया में लग गया। अभी 10 स्क्वायर मीटर एरिया पर ये जो 700 ग्राम पूरा लगा, तो इस सरफेस के ऊपर जो ये आपने कोटिंग किया है, अगर इस कोटिंग की मोटाई आप नाप लीजिए कितनी होगी। चलिए दूसरा सिस्टम हम लेते हैं जिसमें भी आपका 500 ग्राम रेजिन है, मतलब ये उसी विस्कोसिटी को लाने के लिए हमें पता चल रहा है 300 ग्राम सॉल्वेंट डालना पड़ रहा है, उसी विस्कोसिटी, एप्लीकेबल विस्कोसिटी को लाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, विस्कोसिटी हम बराबर रख रहे हैं, इसके यहाँ पर 50 सेकंड हम विस्कोसिटी रख रहे हैं ताकि ये अप्लाई कर सके, यहाँ पर भी हमें 50 सेकंड विस्कोसिटी रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई सॉल्वेंट हमें 50 सेकंड विस्कोसिटी के लिए 300 ग्राम डालना पड़े, तो अब यहाँ पर टोटल मिक्सचर आपका कितना हो गया, 800 ग्राम। ये एरिया जो है 700 ग्राम में कवर कर जा रही है, 700 ग्राम में, अर्थात इसमें आपका सॉलिड कितना रहा, सॉलिड 500 ग्राम अब 800 ग्राम में चला गया, अर्थात 100 ग्राम सॉल्यूशन आपका एक्स्ट्रा है, अर्थात सॉलिड कम होगा। तो ये थिकनेस आपकी, इसकी कोटिंग जब आप लगाएंगे तो सूखने के बाद से इसकी कोटिंग और इसकी कोटिंग में थिकनेस में क्या फर्क होगा, थिन होगी सर, थिन होगी, जो दूसरी वाली थिन होगी। एक्सलेंट, बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा, क्यों थिन होगी ये भी बता दो सर, क्योंकि जो हमारा टोटल मटेरियल है वो 500 का 500 नहीं लग पाएगा, 500 थोड़ा कम ही लग पाएगा, कम ही लगेगा। हाँ, तो ये हम सॉल्वेंट का आपको रोल बताना चाहते थे, अर्थात कहने का मतलब ये है इसमें 300 ग्राम डाल रहे हैं, अर्थात ये कमजोर सॉल्वेंट है, कमजोर होने की वजह से हमें 300 डालना पड़ रहा है तब हमें 50 सेकंड मिल रही है, और ये अच्छा सॉल्वेंट है कि 200 ग्राम में ही हमें 50 सेकंड की विस्कोसिटी दे रहा है। अगर कोई 100 ग्राम में हमें 50 सेकंड की विस्कोसिटी दे दे तो ये और अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि कम से कम सॉल्वेंट हम डालना चाहते हैं अपनी कोटिंग में ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा थिकनेस मिल जाए एप्लीकेबल विस्कोसिटी के ऊपर, ठीक है। यही हम ऊपर आपको समझा रहे थे कि ये सॉल्वेंट इंडेक्स जो हम लोग देखते हैं यही चीज है कि कम सॉल्वेंट में अगर कम से कम विस्कोसिटी हमें मिलती है तो दैट सॉल्वेंट इज फार बेटर कंपेयर टू द अदर सॉल्वेंट। देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो आप सभी लोग वैसे तो जानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वही तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे पानी को आप गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले आए ताकि पानी उड़ने लगे, तभी तो वो बॉइल करता है पानी, तभी उड़ने लगता है उस टेम्परेचर के ऊपर। आ रही बात समझ में ना, वेपर, जब वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो बॉयल होने लगता है, वो उड़ने लगता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर मरकरी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये भी समझिएगा, इसका भी बहुत यूज है। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हायर आर लोअर देन आइदर ऑफ टू, अर्थात दो सॉल्वेंट सपोज करिए आपने बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों का मिक्सचर मिलाया, बेंजीन और टॉल्यूइन इन दोनों का मिक्सचर मिलाया, ठीक है। अगर इस बेंजीन और टॉल्यूइन के मिक्सचर का बीटी, इसका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेंजीन से और टॉल्यूइन से इंडिविजुअल या कम है या ज्यादा है, तब वो मिक्सचर एजियोट्रॉपिक कहलाएगा। इसका बहुत अच्छा रोल होता है क्योंकि इसमें आप बेंजीन और टॉल्यूइन के मिक्सचर से बेंजीन और टॉल्यूइन को फिर अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम या ज्यादा है या डिफरेंट है दोनों से, इस वजह से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा एजियोट्रॉपिक वर्ड आगे आपको बहुत मिलेगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट, टू और मोर देन टू सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज डिफरेंट देन दैट ऑफ योर इंडिविजुअल सॉल्वेंट, ठीक है। लोअर वेपर प्रेशर इज हायर बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लोअर है, लोअर वेपर प्रेशर होगा अर्थात इसकी वेपर को उड़ने में टाइम लगेगा या वो ज्यादा टेम्परेचर लगे तब वो निकलेगी वेपर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। और ऐसे सॉल्वेंट का स्लोअर रेट ऑफ इवोपरेशन, इसका रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो होता है। उदाहरण के तौर पर बेंजीन और जाइलीन को अगर आपस में आप लोग कंपेयर करें तो बेंजीन तेजी से उड़ने वाला है और जाइलीन आपका स्लो इवोपरेटिंग है, धीमे धीमे उड़ेगा, अर्थात बेंजीन का जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर वो ज्यादा है, जाइलीन का वेपर प्रेशर लो है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट लो है, जाइलीन का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, ठीक। जाइलीन जो है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है और स्लोअर है ये बेंजीन के कंपेरिजन में, ठीक है। इसका महत्व होगा आगे चल करके, हम आपको बताते हैं इसका रोल क्या है। ऑल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैव वेपर प्रेशर, सभी का होता है, सॉलिड का भी होता है, जैसे आपका मेटल कोई रखा हुआ स्टील है, स्टील का भी वेपर प्रेशर है। अंतर केवल यही है कि उस स्टील के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर लाने के लिए हमें उस स्टील को पहले मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद से बॉइलिंग तक ले जाते हैं, देन इट बिकम्स द वेपर इक्वल टू दैट ऑफ योर एटमॉस्फेयर, और तब जाकर के वो स्टील के वेपर्स बनके निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से ऑल लिक्विड्स एंड सॉलिड हैव वेपर प्रेशर, वोलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर, इसीलिए हम लोग वोलेटाइल लिक्विड्स को हम लोग सॉल्वेंट की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे सॉल्वेंट ही प्लास्टिसाइजर भी आपका एक प्रकार का सॉल्वेंट ही है, लेकिन प्लास्टिसाइजर का वेपर प्रेशर इतना कम होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो प्लास्टिसाइजर उड़ नहीं पाता है, इसलिए उसको हम लोग सॉल्वेंट नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार ऐसे सॉल्वेंट जो कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सरफेस को छोड़ देते हैं, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और उनको हम लोग सॉल्वेंट के रूप में ट्रीट करते हैं, और वही हम लोग पेंट में या कोटिंग में इस्तेमाल भी करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इवापोरेट फास्टर देन लार्ज मॉलिक्यूल, उदाहरण के तौर पर मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इन तीनों को कंपेयर करिए तो मिथेनॉल तेजी से उड़ेगा, इथेनॉल उससे स्लो होगा और जो प्रोपेनॉल होगा वो और स्लो हो जाएगा, अर्थात मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर साइज जो है काफी छोटा है इसलिए वो तेजी से उड़ता है। तो ये एक सीरीज में तो ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनको तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर मिथेनॉल विद इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट, यू कैन नॉट कंपेयर विद द टू डिफरेंट नो। अब यहां पर ये क्या होगा आगे चल के हम ये बताते हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा इसे, जैसे अगर आप पानी को अगर आप देखें H2O या मिथेनॉल को ही चलिए ले लेते हैं, ठीक है। मिथेनॉल में चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अर्थात ऑक्सीजन है, तो ये एक प्रकार का दूसरे मिथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ इसका एक एसोसिएशन रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा, तो ये इसका जो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, एक्चुअल में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो नहीं आपको मिल पाएगा। जैसे H2O अगर आप ले लें तो H2O इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल कंपेयर टू योर मिथेनॉल, बट देन टू मिथेनॉल
dry, the evaporation rate of methanol is very fast than that of your water. इसकी वजह क्या होती है कि वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है पोलरिटी की वजह से. लेकिन ये नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर जैसे बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, जाइलिन हो गया, हियर द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं. बेंजीन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इतना स्ट्रांगली एसोसिएटेड नहीं होता है, इसलिए बेंजीन अपने नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट होना चालू हो जाता है. बट इन मेनी पोलर लिक्विड जैसे हमने आपको बताया आर हाईली एसोसिएटेड बिकॉज ड्यू टू द सेकेंडरी वैलेंसी फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जैसे मिथेनॉल में बताया, वाटर में बताया आपको. सो इनकी एक्चुअल साइज जो है, जो होती है वो ना होकर के, मिथेनॉल की ये साइज है लेकिन ये ना होकर के आपको महसूस होगा कि इट इज हैविंग द बिगर साइज, जैसे वाटर की बिगर साइज आपको महसूस होती है. एंड दिस रिडक्शन इन इवोपरेशन, और इस तरीके से रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है ऐसे मॉलिक्यूल का जिसमें कि मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड हो, ऐसे सॉल्वेंट का. तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो डिसोसिएट होते जाएंगे, उनका जो एसोसिएशन है वो वीक होता चला जाएगा, और इस तरीके से वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो अपना उड़ने लगते हैं, और वहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो जीरो हो जाता है और वो इवोपरेट होने लगते हैं. ठीक है, तो ये कुछ की फीचर है. अब रेट ऑफ इवोपरेशन को देखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज वन फैक्टर, रेट ऑफ इवोपरेशन, वी आर मोर कंसर्न विथ रेट ऑफ इवोपरेशन. All liquids and solid have vapor pressure varying with surrounding temperature. The temperature के साथ, surrounding temperature के साथ liquids का vapor pressure change होता रहता है. जैसे कि गर्मी के दिनों में अगर आप benzene को बाहर रखते तो बहुत तेजी से उड़ जाएगा, जाड़े के दिनों में थोड़ा सा rate of evaporation कम रहेगा. ठीक है, volatile liquids have high vapor pressure under normal condition. जो volatile liquids होते हैं जैसे benzene वगैरह, toluene वगैरह हो गया, सो दे इवोपरेट रियडली, ये आसानी से उड़ जाते हैं. जैसे आयल आपका नहीं उड़ पाएगा क्योंकि आयल का वेपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है नॉर्मल कंडीशन में. वेपर प्रेशर एंड रेट ऑफ इवोपरेशन इंडिकेट द ईज विथ विच मॉलिक्यूल्स लीव इट्स सरफेस, कितनी आसानी से वो मॉलिक्यूल जो है सरफेस को छोड़ देता है, पेंट को लगाया पेंट से कितनी आसानी से वो उड़ जाता है, ये हमें बताता है वेपर प्रेशर और रेट ऑफ इवोपरेशन. इन जनरल स्मॉल मॉलिक्यूल्स इवोपरेट जनरल होता है फास्टर देन लार्ज मॉलिक्यूल. जैसे हमने बेंजीन और जाइलिन का एग्जांपल दिया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल में बताया मिथेनॉल इज फास्टर, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तेजी से उड़ जाते हैं. बेंजीन फास्टर देन टॉलुइन एंड टॉलुइन इज फास्टर देन जाइलिन. नॉन पोलर लिक्विड्स एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ये पहले हमने आपको बताया था. इन पोलर लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बिकॉज ड्यू टू द सेकेंडरी वैलेंसी फोर्सेज, इफेक्टिवली देयर साइजेज आर लार्ज, जिसकी वजह से उनकी साइज लार्ज अपीयर होने लगती है, वर्चुअल होने लगती है, तो जिसकी वजह से रिटार्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, यहां पर दिखला रहे हैं हम सेलोसॉल, इसका पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड में है. सेलोसॉल विच इज हैविंग द लोअर मॉलिक्यूलर वेट बट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इवोपरेशन इसका ब्यूटाइल एसिटेट कंपेरिजन में कम है, इसका स्लोअर है. ठीक है, बट वेन यू कंपेयर मिथाइल सेलोलॉल विथ इथाइल सेलोलॉल सॉल, देन मिथाइल सेलोसॉल विच हैविंग फास्टर रेट ऑफ इवोपरेशन. नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसको इनके स्ट्रक्चर के द्वारा दिखला रहे हैं. ठीक है, एंड इथाइल एल्कोहल मच स्लोअर देन इथाइल एसीटेट एंड बेंजीन, जबकि इसका इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट है इथाइल एसीटेट से भी कम है और बेंजीन से भी कम है, लेकिन फिर भी जो है इसका रेट ऑफ इवोपरेशन कम है, जबकि छोटे मॉलिक्यूल का रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होना चाहिए. क्यों है आगे बता रहे हैं. टू लिक्विड्स कैन हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट बट वन हैविंग एसोसिएशन विल हैव स्लोअर रेट ऑफ इवोपरेशन. जिसके मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अगर एसोसिएशन होगा, कोई बॉन्ड होगा, तो उसका स्लोअर रेट ऑफ इवोपरेशन हो जाएगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल इथाइल एसीटेट एंड इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल इज स्लोअर. ठीक है, ये इस वजह से
क्योंकि इथाइल एल्कोहल जो है दिस इज मोर पोलर कंपेयर टू योर इथाइल एसीटेट, और पोलर ज्यादा होने की वजह से इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में एसोसिएशन होता है। इसी चीज को यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने आपका कुछ सॉल्वेंट लिए हुए हैं, जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट, सेलोसॉल, मिथाइल सेलोसॉल, इथाइल एसीटेट, इथाइल एल्कोहल, बेंजीन, टॉलवीन, जाइलीन, ये कुछ हमने पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है। ये इनके मॉलिक्यूलर वेट है डिफरेंट, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग, ठीक। ये इवोपरेशन रेट यहाँ पर हम दिखला रहे हैं, इवोपरेशन रेट 100 के साथ कंपेयर किया हुआ है नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट के साथ, ये रिलेटिव इसके लिया हुआ है, अर्थात मोर द नंबर मीन्स मोर रेट ऑफ इवोपरेशन। तो जैसे अगर आप ये देखेंगे तो 525 इसका है, 500 इसका है, तो इनके रेट ऑफ इवोपरेशन बहुत ज्यादा है, और इसमें 40 है तो इसका रेट ऑफ इवोपरेशन बहुत कम है। तो ये नंबर के ऊपर, अब आप इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट, हमने आपसे ये बोला था कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होता है उसका रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होता है, लेकिन एक ही सीरीज में हो तभी। जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट और सेलोसॉल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो सेलोसॉल इज मोर पोलर कंपेयर टू योर नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट। ये सेलोसॉल का देखिए ये फार्मूला, ये आपको दिख रहा है C2H5O C2H4OH, ये फार्मूला है, ये आपको दिखलाई पड़ा है सभी को। Yes, सेलोसॉल का नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, दिस इज ईथर एल्कोहल भी कहते हैं ये, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ओ है, दिस इज योर ईथर ग्रुप एंड दिस इज एल्कोहल ग्रुप OH, ठीक है, ये ईथर एल्कोहल होता है, दिस इज हाईली पोलर कंपेयर टू योर नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और सेलोसॉल का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो होना ये चाहिए था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है इसलिए इसको तेजी से उड़ना चाहिए था, लेकिन ये केवल 40 यहाँ पर दिखला रहा है और यहाँ पर ये 100 दिखला रहा है, अर्थात ब्यूटाइल एसीटेट इज फास्टर इन रेट ऑफ इवोपरेशन कंपेयर टू योर सेलोसॉल, दो इट इज हैविंग लेस मॉलिक्यूलर वेट। और जबकि बॉइलिंग पॉइंट भी देखिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 126 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 135 है। तो कहने का मतलब जो हुआ ये इस वजह से है क्योंकि सेलोसॉल इज मोर पोलर, मोर पोलर होने से इसके मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा एसोसिएटेड रहते हैं, ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग रहती है, जिसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। अब इसको जो है इसके साथ आप कंपेयर करिए, सेलोसॉल को मिथाइल सेलोसॉल के साथ कंपेयर करिए, दिस इज योर इथाइल सेलोसॉल, सेलोसॉल इथाइल सेलोसॉल को हम लोग नॉर्मल तौर पर सेलोसॉल भी कहते हैं, दिस इज योर इथाइल सेलोसॉल एंड दिस इज योर मिथाइल सेलोसॉल, मिथाइल सेलोसॉल इज हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 76 एंड दिस इज हैविंग 90। तो चूंकि अब ये एक ही सीरीज में हो गया तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कम है, अर्थात इसका रेट ऑफ इवोपरेशन यहाँ पर देखिए 55, अर्थात ये ज्यादा हो गया, इसका रेट ऑफ इवोपरेशन कम है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ इवोपरेशन इसका कम है। इसका देखिए मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। अब ये तीसरा एक एग्जाम्पल देखिए, इथाइल एसीटेट, इथाइल एल्कोहल एंड बेंजीन, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इथाइल एसीटेट इज हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 88, ठीक है, इथाइल एल्कोहल इज हैविंग 46। तो होना ये चाहिए था कि इथाइल एल्कोहल का चूंकि लो मॉलिक्यूलर वेट है सो इट शुड हैव मोर रेट ऑफ इवोपरेशन, बट इट इज हैविंग वेरी स्लो रेट ऑफ इवोपरेशन, लेस रेट ऑफ इवोपरेशन, इसका 525 है इथाइल एसीटेट का और इथाइल एल्कोहल का मात्र 203, अर्थात ये बहुत कम है इसका रेट ऑफ इवोपरेशन, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द हाई एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल अमंग इथाइल एल्कोहल कंपेयर टू योर इथाइल एसीटेट, ठीक है। अच्छा, और यहीं पर ये आप देखिए बेंजीन, टॉलवीन और जाइलीन, अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो इसमें एक ही सीरीज में होने से, एक ही नेचर के होने से इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ रहा है 78, 92, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ इवोपरेशन आपका कम होता चला जा रहा है क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है बेंजीन का, इसलिए ये तेजी से उड़ेगा, टॉलिन का थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है इसलिए ये कम तेजी से उड़ेगा, और जाइलिन का और बड़ा होने से ये और कम तेजी से उड़ेगा। तो इस प्रकार से रेट ऑफ इवोपरेशन इसमें कम हो रहा है जैसे जैसे मॉलिक्यूल साइज आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो एक ये नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो गया और ये आपका पोलर की कैटेगरी हो गई।
कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए यहाँ पर जरा इन दोनों को आप देखिए, या इन तीनों को देखिए, आप इन तीनों को अगर आप इन तीनों की बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे तो दे ऑल आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल बॉइलिंग पॉइंट तीनों का, इथाइल एसीटेट, इथाइल अल्कोहल और बेंजीन, जिसमें से दो आपके पोलर हो गए और एक नॉन पोलर हो गया। दो में इथाइल अल्कोहल इज हाईली पोलर एंड दिस इथाइल एसीटेट इज लेस पोलर एंड बेंजीन इज नॉन पोलर। अब इन तीनों को आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, इथाइल एसीटेट का रेट ऑफ इवेपोरेशन काफी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट तीनों के आसपास है लेकिन इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, और इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन इथाइल अल्कोहल का कम है, ठीक है, और इसका भी ज्यादा है आपका। ये इस वजह से कि इसके मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं है, और इसके मॉलिक्यूल के बीच में इतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू योर इथाइल अल्कोहल, इसलिए इथाइल अल्कोहल जो है स्लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये इस चीज को समझना बहुत, क्योंकि इसका आगे हम थिनर बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये जरूरी है, आगे हम आपको बताएंगे कि किसी भी कोटिंग के अंतर्गत हम लोग सॉल्वेंट भी डालते हैं और नॉन सॉल्वेंट भी डालते हैं उसके अंतर्गत, और क्यों डालते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इवेपोरेशन उसी को कंटिन्यू करते हुए, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट पोलर एंड नॉन पोलर कैन हैव हायर आर लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन, हो सकता है आर बॉइलिंग पॉइंट भी उनकी कम या ज्यादा हो सकती है अगर पोलर और नॉन पोलर को मिला दें। उससे सपोज करिए कि आपने इथेनॉल के अंदर बेंजीन को मिला दिया, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो इथेनॉल से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यद्यपि उसके अंतर्गत एसोसिएशन है लेकिन फिर भी वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है बेंजीन की वजह से, जो है इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में जो है उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग ना हो, थोड़ा सा वो डिसोसिएट हो जाए, थोड़ा वीक हो जाए, तो इस तरीके से ये चेंज हो सकता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन दिस इज ईज विथ विच मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है क्या, कितनी आसानी से कोई मॉलिक्यूल सरफेस में अर्थात पेंट के सरफेस को छोड़ दें। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट इज डिफरेंट देन रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। ये भी ध्यान दीजिएगा कि सपोज करिए कि एक सरफेस के ऊपर आपने केवल सॉल्वेंट लगा दिया इसके ऊपर एक लेयर, और एक सरफेस के ऊपर आपने एक पेंट लगा दिया, उस पेंट पे वही सॉल्वेंट पड़ा हुआ जो सॉल्वेंट यहाँ है, सपोज करिए यहाँ पर आपने बेंजीन ले लिया और यहाँ पर भी इस कोटिंग के अंतर्गत भी आपका बेंजीन ही सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है स्लो होगा, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन बेंजीन का ज्यादा होगा जबकि दोनों जगह बेंजीन है। दिस इज बिकॉज द अदर मटेरियल विच इज प्रेजेंट हियर इन द कोटिंग वो जो है इस बेंजीन को इवेपोरेट होने से रोकेगी, क्योंकि बेंजीन उसके लिए सॉल्वेंट है, तो वो बेंजीन का अटैचमेंट रहेगा, वो बॉन्ड बना लेगा एक प्रकार का, उसको अपने साथ एफिनिटी रहेगी, जिसकी वजह से बेंजीन उतनी तेजी से नहीं उठ पाएगा जितनी तेजी से वो यहाँ उठ सकता है। यही बात यहाँ पर कह रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन इससे अलग हो जाता है, तो आमतौर पर ये रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज फास्टर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द सेम सॉल्वेंट फ्रॉम अ मिक्सचर फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट कैन रिटार्ड द रेट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एफिनिटी विद द सॉल्वेंट, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट की जैसे एफिनिटी होगी, ज्यादा एफिनिटी होगी तो वो रिटार्ड ज्यादा करेगा, अगर कम एफिनिटी होगी तो वो कम करेगा। The evaporation of good solvent may be retarded to a greater extent compared to poor solvent. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। किसी भी कोई भी solvent किसी सल्यूट के साथ, अगर उस सल्यूट के अंदर उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, वो किसी भी लेवल तक उस सल्यूट को अगर अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है तो एफिनिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसा सॉल्वेंट उस सल्यूट से अलग होने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। जैसे कि नमक में थोड़ा सा पानी डाल करके नमक को गीला कर दीजिए, उसके बाद से आप ये सोचे कि अब ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर उड़ जाए, उतना ही पानी आप बगल में केवल प्योर अवस्था में रख दीजिएगा तो वो पानी उड़ जाएगा, लेकिन नमक वाला पानी आपका जल्दी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि नमक का उस पानी के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, वो पानी जो अच्छा सॉल्वेंट है पानी नमक के लिए, तो नमक उस पानी को उड़ने नहीं देगा, उसको रिटार्ड कर देगा। यही क्रिया कोटिंग के साथ भी है, अगर कोई रेजिन, अगर कोई पॉलीमर
किसी सॉल्वेंट के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी उसकी है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट वगैरह है उस रेजिन के लिए, तो वो सॉल्वेंट उस रेजिन से उतनी आसानी से नहीं उड़ पाएगा, वो रिटार्ड करेगा उसको, अर्थात रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लोअर कर सकता है। ये बात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन देयरफॉर नॉट ओनली डिपेंड अपॉन टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, सर्कुलेशन ऑफ एयर अक्रॉस द सर्फेस एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी पेंट को अगर आप लगाते हैं, इसके ऊपर आपने एक सरफेस के ऊपर ये आपने पेंट लगाया हुआ है, तो इस पेंट से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा ये केवल यहाँ पर कंसंट्रेशन पर ही इसके नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितनी मोटी ये लेयर है नंबर वन, और फिर जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, ये एटमॉस्फेयर में हवा आपकी बह रही है क्या, अगर एयर सर्कुलेशन तेज है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जैसा जैसे गर्मी के दिनों में लू चल रही हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत तेज होगा, जाड़ों के दिनों में अगर हवा चल रही हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि गर्मी में होगा, अगर सेम स्पीड एयर की हो तो, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड कर गया, तो इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट विल डिपेंड अपॉन एयर सर्कुलेशन, ठीक है।